दस साल में हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई नहीं हारा। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। अभी आपको लग रहा है हम गाड़ी से घूम रहे थे तो लोग कह रहे हैं अभी कैसे घूम रहे हैं, क्या होगा इससे। जब पैदल चलना शुरू किए तो लोग ये बता रहा है कि अच्छा जब पदयात्रा में तो भैया बहुत चर्चा है, पदयात्रा के बाद क्या होगा। तो भाई मेरे अभी एक ही बुलेट दागे और इतनी हलचल है, अभी पदयात्रा तो पहला बुलेट है, ऐसा 10 को बुलेट डालेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और नीचे से क्या गया और किसी को नहीं पता चलेगा। हम इतना बेवकूफ है कि हमारे पास 6 को बुलेट है तो 6 को अभी दाग दे, पहले उनको घबराने तो देखने तो दीजिए, पता चला उनको चंपारण में क्या हुआ। हम तो पैदल चल रहे, हमने तो किसी के लिए वोट मांगा ही नहीं, हमने कोई प्रत्याशी चुना ही नहीं, हमने सिर्फ इतना ही कहा है लोगों को कि अगर ये दोनों दलों ने ठगा है आपके शब्दों में तो इन दोनों दल को वोट मत दीजिए, जिस निर्दलीय को देना है दे दीजिए। अरे आप समाज एक बार तय कर ले तो आप विकल्प अपने आप खोज लीजिएगा, बना लीजिएगा। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे 1980 में NTR ने जब आंध्र प्रदेश में इंदिरा गांधी को चुनौती दी तो इंदिरा गांधी ने उस समय उनकी पार्टी को रजिस्टर नहीं होने दिया, तो सारे सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किए गए और पूरे आंध्र प्रदेश में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में NTR के निर्दलीय उम्मीदवार जीत करा गए अलग अलग सिंबल पर। इंदिरा जी वहां नहीं रुकी, फिर उस सरकार को बर्खास्त किया गया, 3 महीने के बाद फिर चुनाव हुआ, फिर वही TDP जीत करा गई। एक बार जनता ठान ले तो कोई बल टिकने वाला नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आप खड़े होइए, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए और नए बिहार का संकल्प लीजिए, यही बताने के लिए चल रहे हैं। आप 10 साल में हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई नहीं हारा। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। अभी आपको लग रहा है हम गाड़ी से घूम रहे थे तो लोग कह रहे हैं अभी कैसे घूम रहे हैं, क्या होगा इससे। जब पैदल चलना शुरू किए तो लोग ये बता रहा है कि अच्छा जब पदयात्रा में तो भैया बहुत चर्चा है, पदयात्रा के बाद क्या होगा। तो भाई मेरे अभी एक ही बुलेट दागे और इतनी हलचल है, अभी पदयात्रा तो पहला बुलेट है, ऐसा 10 को बुलेट दागेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और नीचे से क्या गया और किसी को नहीं पता चलेगा। हम इतना बेवकूफ है कि हमारे पास 6 को बुलेट है तो 6 को अभी दाग दे, पहले उनको घबराने तो देखने तो दीजिए, पता चला उनको चंपारण में क्या हुआ। हम तो पैदल चल रहे, हमने तो किसी के लिए वोट मांगा ही नहीं, हमने कोई प्रत्याशी चुना ही नहीं, हमने सिर्फ इतना ही कहा है लोगों को कि अगर ये दोनों दलों ने ठगा है आपके शब्दों में तो इन दोनों दल को वोट मत दीजिए, जिस निर्दलीय को देना है दे दीजिए।